वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी निजात दिलाने के निजी अस्पताल संचालकों की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित निजी अस्पतालों के चिकित्सक मौजूद रहे। बैठक में कोरोना संक्रमितों की जाँच कर उन्हें उचित इलाज और परामर्श देने पर विचार विमर्श किया गया। इसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट चिकित्सकों के साथ सामंजस्य स्थापित कर कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए आपस में विचार विमर्श किया है, जिससे कोरोना संक्रमितों का समय रहते इलाज किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए डॉक्टर सुरेता करीम और मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, और अंदर जैसे उन्होंने हमें टेस्ट किया, हमारा जो चेस्ट का एक्सरे हुआ वो रिपोर्ट बाहर भेज दी, हमारा जो ब्लड टेस्ट हुआ वो रिपोर्ट बाहर भेज दी। देना था उसके लिए आधे मिनट के लिए आ गए और पूछ लिया कि और ठीक है और कोई समस्या तो नहीं है, तो आप किसी मेडिसिन लेंगे तो मिल जाएगा। और वो लोग भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, मतलब जो अभी एकदम नए लोग हैं, जितनी चीज़ें आपने बताई उतना लगभग सबको, जैसे जो आप ये बता रहे थे LMWH कह रहे थे, हम लोग वहाँ हेपरिन जान रहे थे, तो अभी मैंने गूगल पे देखा तो हेपरिन वो सबको लगा रहे हैं, फातिमा में लगभग 90% लोगों को हेपरिन लगा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने 100 कर दिया। तो जो दवाएँ हैं वो बड़ी पॉपुलर सी हो जा रही हैं, जो हो सकता है पेशेंट की जो और कोई प्रॉब्लम है उसके लिए फिर एक्चुअल में डॉक्टर की आवश्यकता है, कि किसी का ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी सब मुझे लगता है फैसिलिटी है कि किसी डॉक्टर से आप मतलब आप हमसे बेहतर समझ रहे हैं, तो बेस्ट फैसिलिटी मिल जाएगी, फाइनेंस की उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा अनुरोध ये है कि जो लोग शुरू कर सकते हैं, चार्ज ओनली 10,000। अच्छा, मैं अपने ब्रदर को अपनी भाभी को लेके गया था, एट दैट टाइम तक वो यहाँ पे यूपी में अलाउड नहीं था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खाली मेडिकल कॉलेज अलाउड। मेरे ब्रदर जब भी मतलब अनफॉर्चुनेटली जो है मुझे ऐसा डाउट हुआ कि वो पॉजिटिव हो सकते, मैंने सीटी कराया, सीटी में लीजन था इमीडिएटली, तो वहाँ पर एक हफ्ते में भाभी भी थी और ब्रदर भी थे, 1,80,000 रुपये बिल आया था। मतलब वो अच्छा, उन्होंने अपना डिसीजन लगा, बहुत स्ट्रिक्ट कैप लगा रखा है। देखने गया तो उन्होंने अपने लगभग 7 बेड नीचे अंदर एक्टू के लिए रख रखा था, तो ऐसे ही आप 7 से 10 से 15 से 20 से इस फैसिलिटी को शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मतलब मुझे आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपको कॉल बेसिस पर रखते हैं प्रतिदिन, चूंकि गोरखपुर में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और व्यवस्थाएं थोड़ी सी चरमरा रही हैं, तो इस वजह से ये मीटिंग की गई थी। प्रशासन की तरफ से हम लोगों को एक तो सहयोग मांगा जा रहा है और वो हम लोग कर भी रहे हैं, और दूसरी बात चर्चा ये हुई कि कौन सी दवाइयां इस समय उपलब्ध हैं और जो दवाइयों के लिए इस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। तीसरा ये बात हुई है कि जैसे पोर्टेबल एक्सरे मशीन वगैरह अगर उपलब्ध हो रही है जल्दी, तो उससे जल्दी इलाज हो जा रहा है, जल्दी जांच पता चल जा रहा है। हम लोगों की तरफ से ये बताया गया कि रिपोर्ट जो है देर से आने की वजह से कई मरीजों का इलाज में देरी हो रही है, तो उसकी कुछ व्यवस्था किया जाए, उस पर हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि अब प्रशासन शायद रिपोर्ट 24 घंटे अब कोई फैसिलिटी शुरू हो रही है जिसमें कि चरगावा में ये लोग 24 घंटे रिपोर्टिंग की व्यवस्था हो रही है, तो उससे एक बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा प्रशासन का कि अगर 24 घंटा हमारे पास कोई भी इमरजेंसी मरीज आता है, रात में ये दिक्कत होती है हम लोगों की कि कहाँ पे उसकी जांच कराएं, तो अगर ये फैसिलिटी शुरू हो जाती है 24 घंटे जांच मिलने की, तो ये बहुत बड़ा एक सहायता होगी। उसके अलावा प्रशासन ये चाहता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी बेड चालू किया जाए, तो हम लोगों ने अपनी समस्याएं बताई जिसमें कि हमारे जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनका जो स्वास्थ्य का बीमा वगैरह वो जो उसके लिए उनका उपलब्ध नहीं है, तो उनको हम लोग फोर्स नहीं कर सकते हैं। जो बड़े उम्र दराज हमारे कर्मचारी हैं उनको एक्सपोजर से डर है, तो इसलिए हम लोग अभी कोविड के सारे मरीज सारे अस्पतालों में नहीं लिए जा सकते हैं, उसके लिए डेडिकेटेड अस्पताल ही देने चाहिए। तो इन्हीं चर्चाओं पे बात हुई है, बाकी ये है कि ताकि ज़्यादातर लोग जो घर में अपना इलाज कर रहे हैं वो जल्द, अगर वो हालत बिगड़ रही है तो उनको अस्पताल ले जाने की व्यवस्था समुचित हो, लोग डरे ना अस्पताल जाने से,
जो ये भय का माहौल पहले चल रहा था, उस भय के माहौल को ठीक करने के लिए ये सुझाव दिया गया कि जो हमारे गोरखपुर में एनजीओज हैं उन एनजीओज के साथ बैठक करके थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कम्युनिटी के साथ किया जाए, ताकि ये जो मरीज़ डर के मारे अस्पताल नहीं जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जाएंगे तो मरी जाएंगे, उनको ये बताना ज़रूरी है कि सिर्फ 1.5 से 2% ही मृत्यु दर है और अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, जल्दी इलाज करने से जल्दी ठीक होने की संभावना है। तो ये सभी बातें हुई और एक सकारात्मक माहौल में पूरी बात हुई और चेष्टा हम लोगों की सबकी ये है कि चाहे गोरखपुर का आम नागरिक हो चाहे प्रशासन हो, सब मिल के इस लड़ाई को जीते। तो निजी अस्पतालों वालों को हमने अभी बुलाया था, उसमें जो शहर के मेडिकल प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनसे हमारी वार्ता हुई है कोरोना को लेके, इसके रोकथाम को लेके और किस तरह से हम मिल के कोरोना की लड़ाई लड़े, उस पर हमने डिस्कशन की है, जिसमें हमारे प्रमुख मुद्दे यही थे कि आप आइसोलेशन वार्ड बनाइए और अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है, जैसे हमने एंटीजन किट्स दी थी पहले, तो उसके आगे फर्दर उसको जो ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत है तो आप तुरंत दीजिए और हमारे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करिए, ताकि हम लोग इकट्ठे मिलकर इससे लड़ सकें और पेशेंट को सहायता कर सकें। सर गोरखपुर में कितने निजी अस्पताल को इस तरह मान्यता दी गई? नहीं, ऐसा कोई मान्यता नहीं, हम सबसे संवाद कर रहे हैं जितने भी अस्पताल हैं, ताकि उनका भी इस लड़ाई में व्यू ले सकें कि किस तरह से वो सहयोग कर सकते हैं हमारा। जैसे अभी उन्होंने हमें कहा है कि आपको किसी तरह का भी सहयोग चाहिए, चाहे इसकी अवेयरनेस फैलाने में, या आप कोई वो खुद इसमें डोनेशन भी करना चाह रहे हैं और अपनी जो एक्सपर्टाइज़ है, जो उनको भी इसमें एक्सपीरियंस है, उसको भी वो शेयर करना चाह रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा है कि अगर जिला प्रशासन कोई एक बड़ी फैसिलिटी डेवलप करता है और उसमें हमारी सेवाओं की ज़रूरत हुई तो हम टीम बना के उसमें आ जाएंगे, जो कोविड की फैसिलिटी होगी तो उसमें हम अपनी ड्यूटी देंगे। पूरा सहयोग देने की बात की है और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं हमें कि सर इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर लीजिए। हम उन सुझावों को हमने लिया है और हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे।